जहाँ तक अमरनाथ जी यात्रा की बात करें तो लू कंटिन्यूस बारिश होने से यात्रा रूट, क्योंकि यात्रा जो जाते हैं होली के इज सिचुएटेड एट मोर देन आवर 3000 मीटर के ऊपर है, तो ट्रीचरस वहाँ का ट्रैक है, बहुत हार्ड है, तो इसीलिए वहाँ पे जो यात्री जाते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स तक जाना ठीक नहीं है। वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स, लैंडस्लाइड का, वैसे तो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी यात्रा एडमिनिस्ट्रेशन है पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम एंड वो उसी को अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बट देन स्टिल आपके थ्रू में यात्री को जो इंटेंडिंग पैसेंजर्स है क्योंकि वहाँ पे ट्रेन जो है बहुत कम्प्लेक्स है, वहाँ पे रेन कोट थ्री फ्यू टिप्स जो है, आपके पास रेन कोट होना बहुत मस्ट है, आपके पास एक वार्म क्लॉथ गर्म कपड़े होना चाहिए और आपका गुड पेयर ऑफ शू और खाने के लिए कुछ सामान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप और फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो जिस जगह पे यात्रा जाता है वहाँ पे यात्रा के लिए जो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस वहाँ का रूट जो है माउंटेन एरिया से जाते हैं एक, तो बाकी फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। जहाँ तक वेदर की बात है तो आज बारिश रहेगा, कल मौसम खुल जाएगा, कल यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख को मौसम ठीक है, 2 की शाम और 3 के बीच में फिर एक स्पेल बारिश है जिसमें मुझे लगता है कि यात्रा में भी असर पड़ सकता है, बट देन हैविंग सेड दैट इट इज़ टू अर्ली टू से, इसके बारे में अभी से कहना थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगा, तो लेकिन फिलहाल 24 आवर में आज शाम को बारिश तक बारिश रहेगा, शाम के बाद जो है मौसम अभी खुलना शुरू हो जाएगा, तो लोग विजिल रहना चाहिए है, बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली, पीपल शुड नॉट बी कॉच अनएवर कि सडनली भाई इस टाइप का मतलब पानी अचानक से आ गया, उस टाइप का लोगों में वो होप नहीं आना चाहिए, प्रिपेयर मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर। अगर आप लोग लो लाइंग एरिया में होगा तो डेफिनेटली कि आपको लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग पक्का होगा, फ्लैश फ्लड भी आ सकता है और आपके मकान के जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें छोटे मोटे पानी भी गिर सकता है। और जहाँ तक अमरनाथ जी यात्रा की बात करें तो लू कंटिन्यूस बारिश होने से यात्रा रूट, क्योंकि यात्रा जो जाते हैं होली के इज सिचुएटेड एट मोर देन आवर 3000 मीटर के ऊपर है, तो ट्रीचरस वहाँ का ट्रैक है, बहुत हार्ड है, तो इसीलिए वहाँ पे जो यात्री जाते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स तक जाना ठीक नहीं है। वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स, लैंडस्लाइड का, वैसे तो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी यात्रा एडमिनिस्ट्रेशन है पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम एंड वो उसी को अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बट देन स्टिल आपके थ्रू में यात्री को जो इंटेंडिंग पैसेंजर्स है क्योंकि वहाँ पे ट्रेन जो है बहुत कम्प्लेक्स है, वहाँ पे रेन कोट थ्री फ्यू टिप्स जो है, आपके पास रेन कोट होना बहुत मस्ट है, आपके पास एक वार्म क्लॉथ गर्म कपड़े होना चाहिए और आपका गुड पेयर ऑफ शू और खाने के लिए कुछ सामान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप और फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो जिस जगह पे यात्रा जाता है वहाँ पे यात्रा के लिए जो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस वहाँ का रूट जो है